हेलो गाइस गाइस, आज की हमारी वीडियो में हम लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन के बारे में जानेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो आ जाओ दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी गाइस, तो गाइस सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन से शुरू करूंगा। अगर बात की जाए लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज इस टॉपिक की, तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग बहुत सारी मिसकंसेप्शन है, और वो सारी की सारी मिसकंसेप्शन जो भी भ्रम है मैं सारे दूर कर दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को अच्छे से देखें, अगर वीडियो आपको समझ आएगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। तो अगर मैं लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन की बात करूं, तो देखो जो भी बातें बोलूंगा आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। देखो अगर मैं बात करूं मैरिज की, तो मैरिज जो है वो तीन प्रकार की हो सकती है, वैलिड मैरिज हो सकती है, वॉइड मैरिज हो सकती है, या वॉइडेबल मैरिज हो सकती है। वैलिड मैरिज मतलब जो सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के प्रोविज़न को फॉलो करके बनाई की गई हो वो मैरिज वैलिड मैरिज होती है। वॉइड मैरिज जो है वो सेक्शन 11 से डील करती है, जो भी ग्राउंड है वॉइड मैरिज के वो सेक्शन 11 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में दे रखी हैं। और जो वॉइडेबल मैरिज है, ये जो मैरिज है वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 में इसके ग्राउंड्स दे रखे हैं, आपको पता होगा। अगर मैं बात करूँ वैलिड मैरिज की, जैसे कि नाम से लग रहा है पता, वैलिड तो बिल्कुल सही मैरिज है, और सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में इसके ग्राउंड्स दे रखे हैं। अगर आपकी मैरिज वैलिड है और उससे बच्चे पैदा होते हैं तो वो लेजिटिमेट ही होते हैं, उनकी लेजिटिमेसी का क्वेश्चन कभी भी रेज नहीं होता। लेकिन अगर बच्चे पैदा होते हैं वॉइड मैरिज से, वॉइड मैरिज हो गई, कैसे हुई, इसके ग्राउंड सेक्शन 11 में दे रखे हैं। अगर वॉइड मैरिज होने के बाद बच्चे पैदा होते हैं, या फिर वॉइडेबल मैरिज हुई है लेकिन वॉइडेबल मैरिज को कोर्ट में जाके नल करवा दिया गया है, ख़त्म करवा दिया गया है, और उससे बच्चे पैदा हुए हैं, तो उनकी लेजिटिमेसी का क्वेश्चन पैदा हो जाता है। लेजिटिमेसी मतलब कि वो बच्चे जो हैं, जो वॉइड या वॉइडेबल मैरिज से पैदा हुए हैं, वो लेजिटिमेट माने जाएंगे या इललेजिटिमेट माने जाएंगे। लेजिटिमेट मतलब जायज माने जाएंगे या फिर नजायज माने जाएंगे। वैलिड मैरिज अगर हुई है तो उस केस में बच्चों की लेजिटिमेसी का क्वेश्चन पैदा ही नहीं होता है, क्योंकि वैलिड मैरिज एक वैलिड है, परफेक्ट मैरिज है, बिल्कुल सही तरीके से हुई है, तो इसके बच्चे बिल्कुल जायज होंगे, बिल्कुल लेजिटिमेट होंगे। लेकिन मेन क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पैदा होता है कि उन बच्चों का स्टेटस क्या होगा जो बच्चे वॉइड या वॉइडेबल मैरिज करने के बाद पैदा होते हैं। अगर दोस्तों अगर आपको वॉइड मैरिज का पता नहीं है, वॉइडेबल मैरिज का पता नहीं है, तो इसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है, वो आपको देखना, आपको पता चल जाएगा। मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ, वॉइड मैरिज का मतलब होता है नो मैरिज, जीरो मैरिज, जिसकी लोगों की नज़र में कोई वैल्यू नहीं होती, वो मैरिज वॉइड मैरिज होती है। जब से ये मैरिज हुई है तब से कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वॉइडेबल मैरिज का मतलब होता है एक ऐसी मैरिज जो वैलिड मैरिज की तरह ही ट्रीट की जाती है। वॉइडेबल मैरिज जो है वो वैलिड मैरिज के बराबर होती है, वैलिड मैरिज की तरह ही ट्रीट की जाती है। लेकिन वॉइडेबल मैरिज के केस में क्या होता है कि जो पार्टी हो, जो एग्रीड पार्टी हो, उसके पास एक च्वाइस होती है कि वो मैरिज को ख़त्म करवा सकती है। तो अगर वॉइडेबल मैरिज को ख़त्म करवा दिया गया है और उससे बच्चे पैदा होते हैं, तो उसका भी एक क्वेश्चन रेज होता है कि उनकी लेजिटिमेसी क्या होगी, क्या वो लेजिटिमेट होंगे या इललेजिटिमेट होंगे, तो हम अब आगे पढ़ेंगे। तो अगर बात की जाए लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज, तो इस बात का जो आंसर है वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 16 में दिया गया है। तो ये क्या बोलता है, अब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी गाइज, तो गाइज अब हम सेक्शन 16 को अच्छे से समझेंगे। तो जो सेक्शन 16 है इसके तीन क्लोज हैं, क्लोज 1, क्लोज 2, क्लोज 3, सभी को हम अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 से। तो अगर मैं सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 की बात करूं, तो ये मेनली डील करता है वॉइड मैरिज से पैदा होने वाले बच्चों के बारे में, चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ द वॉइड मैरिज। सेक्शन 16 क्लोज 1 ये बोलता है कि अगर दो लड़का लड़की आपस में शादी करते हैं और उनकी मैरिज वॉइड होती है, वॉइड कैसे होती है,
अगर आपको बॉयड मैरिज के बारे में पता नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, मैंने बॉयड मैरिज के ऊपर वीडियो बना रखी है। जो सेक्शन 11 है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो बॉयड मैरिज से डील करता है और बॉयड मैरिज के ग्राउंड्स बताता है कि कब एक मैरिज बॉयड मैरिज होगी। तो जो क्लोज वन है सेक्शन 16 का, वो बोलता है कि अगर दो लड़का लड़की आपस में शादी करते हैं लेकिन उनकी मैरिज बॉयड मैरिज है, उनकी मैरिज बॉयड मैरिज है, तो जो उससे बच्चे पैदा होंगे, जो उससे बच्चे पैदा होंगे उनको लेजिटिमेट माना जाएगा, उनको ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे कि बच्चे वैलिड मैरिज से पैदा हुए हैं। जब बच्चे वैलिड मैरिज से पैदा होते हैं तो जो उनका स्टेटस होता है अर्थात वो लेजिटिमेट होते हैं, वैसे ही बॉयड मैरिज से पैदा होने वाले बच्चे भी लेजिटिमेट ही माने जाएंगे। चाहे जो बॉयड मैरिज है उससे रिलेटेड डिग्री जो है वो व्यक्ति ने कोर्ट से ली है या कोई डिग्री नहीं ली है। बॉयड मैरिज के केस में डिग्री ऑफ कोर्ट इज़ नॉट नेसेसरी, डिग्री कोर्ट से लेना जरूरी नहीं होता। अपनी मैरिज को ख़त्म करवाना है तो बॉयड मैरिज है तो डिग्री लेना जरूरी नहीं होता, पर डिग्री ले भी सकते हैं, चाहे डिग्री ली है या नहीं ली है, डिग्री लेकर मैरिज को ख़त्म करवाया है या ऐसे ही, तो उस बॉयड मैरिज से जो भी बच्चे पैदा होंगे वो क्या माने जाएंगे, वो लेजिटिमेट माने जाएंगे। सेक्शन 16 सब सेक्शन बन ये बोलता है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 की, तो ये मेनली डील करता है उन बच्चों से जो बच्चे बॉयडेबल मैरिज से पैदा होते हैं। जो बॉयडेबल मैरिज है वो हमें सेक्शन 12 जो हिंदू मैरिज एक्ट का है उसमें ग्राउंड्स दिए हुए हैं कब एक मैरिज बॉयडेबल मैरिज होगी, उससे रिलेटेड जो ग्राउंड्स हैं बॉयडेबल मैरिज के वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 में दे रखे हैं। अगर मैरिज जो है उन चार टोटल चार ग्राउंड्स दिए हुए हैं, अगर मैरिज जो है उन चार ग्राउंड्स में किसी भी ग्राउंड के अंदर होती है वो मैरिज बॉयडेबल मैरिज मानी जाएगी। अब एक बॉयडेबल मैरिज है ना, तो उससे जो बच्चे पैदा होंगे उनका क्या स्टेटस होगा, उससे सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 डील करता है। तो सिंपल अब समझने की कोशिश करना कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 बोलता क्या है। ये सिंपल सी बात बोलता है, देखो अगर मान लो एक बॉयडेबल मैरिज है, मैं एग्जाम्पल लूँगा, एक हस्बैंड है एक वाइफ है, वाइफ पागल है, हस्बैंड ने शादी करी, लड़के ने लड़की से शादी करी, लड़की क्या है एक पागल है, पागल लड़के ये लड़की से शादी करना क्या है, तो मैरिज बॉयडेबल बन जाती है अंडर सेक्शन 12। सेक्शन 12 बोलता है कि अगर आप पागल व्यक्ति से शादी करोगे तो मैरिज आपकी बॉयडेबल होगी। तो अगर मान लो एक लड़का है वो एक लड़की से शादी करता है, वो पागल लड़की है, लेकिन लड़का लड़की को छोड़ता नहीं है। मैंने क्या बताया कि बॉयडेबल मैरिज इज परफेक्टली वैलिड मैरिज, बॉयडेबल मैरिज एक वैलिड मैरिज की तरह ही होती है, वैलिड मैरिज की तरह ही राइट्स एंड ड्यूटीज जनरेट हो जाते हैं बॉयडेबल मैरिज के केस में, अनलेस एंड अनटिल जो बॉयडेबल मैरिज है उसको ख़त्म ना करवाया जाए। ख़त्म मतलब कोर्ट में जाके पिटीशन डालो सेक्शन 12 के अंदर, उसको और मैरिज को एनल करवा दो, अवॉइड करवा दो, खारिज करवा दो। अगर मान लो एक हस्बैंड है उसने शादी करी, लड़के ने शादी करी, वाइफ उसकी पागल है, तो पागल व्यक्ति से शादी करें तो बॉयडेबल मैरिज है, इनकी मैरिज बॉयडेबल है, पर हस्बैंड को वाइफ से कोई दिक्कत नहीं है, हस्बैंड ने कुछ नहीं किया, उसने क्या किया अपनी वाइफ के साथ रहना शुरू कर दिया, इसका ट्रीटमेंट भी करवाया, ठीक नहीं हुई, पर हस्बैंड ने क्या किया उसको छोड़ा नहीं, ना इसको इसके साथ मैरिज को ख़त्म किया, ना अनल करवाया, ना डिग्री ऑफ नलिटी ली कोर्ट में जाके, और हस्बैंड क्या किया, हस्बैंड ने अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, मान लो ये प्रेगनेंट हो गई और उसका बेबी पैदा हो गया, तो जो बच्चा पैदा होगा ना वो वैलिड मैरिज की तरह ट्रीट किया जाएगा, वो लेजिटिमेट बच्चा माना जाएगा। जैसे एक वैलिड मैरिज करने के बाद बच्चे का स्टेटस होता है, वो सेम स्टेटस इनके बच्चे का होगा, सेम बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। पर मान लो ऐसा हुआ कि जो हस्बैंड है उसने अपनी वाइफ के साथ रहा, वो 3-4 महीने रहा, उसको लग गया पता कि मैं अपनी वाइफ के साथ नहीं रह सकता, वो पागल है, वो ठीक होने वाली है नहीं, तो मैं इसके साथ नहीं रह सकता, तो हस्बैंड ने क्या किया कोर्ट में पिटीशन डाल दी अपनी मैरिज को खारिज करवाने की, ख़त्म करवाने की, ऑन द ग्राउंड ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। उसने बोला कि मेरी वाइफ है वो पागल है और इस ग्राउंड पे मुझे मैरिज को ख़त्म करवाना है, मुझे डिग्री ऑफ नलिटी दो, कोर्ट में उसने डिग्री ऑफ नलिटी डिमांड करी कि मुझे डिग्री ऑफ नलिटी दो और मेरी मैरिज को खारिज करो, ख़त्म करो, ताकि मैं दूसरी शादी कर लूं। अब मान लो हस्बैंड जो 4-5 महीने अपनी वाइफ के साथ रहा था उस टाइम पे कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हुआ था, अब कोर्ट ने हस्बैंड को डिग्री भी दे दी, यानी कि भी
सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ हो सकता है ना, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। मान लो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रखा है और कोर्ट ने क्या किया, हस्बैंड को डिग्री ऑफ नलिटी दे दी, ये लो डिग्री ऑफ नलिटी, अब आप इस मैरिज को जीरो समझो, ये मैरिज खत्म है, आप दूसरी शादी कर सकते हो। तो हुआ क्या, वाइफ जो थी वो प्रेग्नेंट हो रखी थी, 4-5 मंथ की प्रेग्नेंट, और बाद में इसका बच्चा पैदा हो गया। अब देखो जो बच्चा कंसीव हुआ है या बच्चा विघटन किया गया है वो कब किया गया है, डिग्री जब दी उससे पहले ही, डिग्री कोर्ट ने मान लो आज दी, पर सेक्सुअल इंटरकोर्स तो पहले हो रखा था 4-5 महीने पहले, और बच्चा पैदा हो गया। अब उस बच्चे का स्टेटस क्या होगा, तो सेक्शन जो 16 सब सेक्शन 2 है वो बोलता है कि अगर लड़का लड़की शादी करते हैं और वो मैरिज बॉय डेबल है, और बॉय डेबल मैरिज जो है वो डिग्री ऑफ नलिटी लेकर अवॉइड करवा दी गई है, खत्म करवा दी गई है, तो अगर डिग्री से पहले कोई बच्चा माँ के पेट में कंसीव हुआ हो, विघटन हुआ हो और वो पैदा होता है, तो उस बच्चे को ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे कि एक वैलिड मैरिज का बच्चा होता है, अर्थात उसको लेजिटिमेट बच्चा माना जाएगा, ये लेजिटिमेट नहीं माना जाएगा, वो लेजिटिमेट बच्चे की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसके वो सारे राइट्स और ड्यूटीज होंगे जो लेजिटिमेट बच्चे के होती हैं। क्या क्या राइट्स होते हैं, इसका आंसर सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 देता है। सेक्शन 16 2 इतना ही बोलता है, हो सकता है बेयर लैंग्वेज को पढ़ के आपको थोड़ी दिक्कत आए, तो मैं आपको ये बोलूँगा, मुझे आप पर्सनली मैसेज करना, मैं आपको पूरा और क्लियर कर दूंगा, क्योंकि यहाँ बेयर लैंग्वेज मैंने लिखी नहीं है। एक बार मैं फ़ोन से निकाल के आपको बता देता हूँ बेयर लैंग्वेज, अगर हो सके। जो ये वाला पार्ट है ये सिंपल सी बात बोलता है, वेयर ए डिग्री ऑफ नलिटी इज ग्रांटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ बॉय डेबल मैरिज, बॉय डेबल मैरिज है और डिग्री ऑफ नलिटी ग्रांट कर दी गई है। अगर डिग्री ऑफ नलिटी ग्रांट ना की गई हो ना, तो बॉय डेबल मैरिज तो परफेक्टली वैलिड मैरिज ही मानी जाती है, तो उनके बच्चे तो वैलिड मैरिज के लेजिटिमेट ही माने जाएंगे। पर एक बॉय डेबल मैरिज हुई है और डिग्री ऑफ नलिटी भी ग्रांट कर दी गई है, अर्थात मैरिज को खत्म कर दिया गया है। एनी चाइल्ड बिगोटन और कंसीव्ड बिफोर द डिग्री इज मेड, कोई भी चाइल्ड जो है माँ के पेट में आया था डिग्री लेने से पहले, मैंने जैसे बताया कि डिग्री आज मेरी इससे पहले मान लो 4-5 महीने पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था, बच्चा पेट में आ रखा था, हु वुड हैव बीन द लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द पार्टीज टू द मैरिज इफ एट द डेट ऑफ द डिग्री इट हैड बीन डिजोल्व्ड इंस्टेड ऑफ बीइंग एनल्ड। देखो इट हैज बीन डिजोल्व्ड इंस्टेड ऑफ एनल्ड, यहाँ ये लिखा हुआ है कि वो उस बच्चे को हम एज ए लेजिटिमेट चाइल्ड मानते और लास्ट में चाइल्ड मानते, जायज बच्चा मानते अपने माँ बाप का, जैसे कि जब डिवोर्स होता है, डिवोर्स डिजोल्व हो जाती है मैरिज डिवोर्स से, उस केस में बच्चा तो जायज ही रहता है ना अपने माँ का बाप का, बच्चा तो जायज नहीं बनता डिजोल्व होने के केस में, जैसे कि मैरिज डिजोल्व हो जाए और बच्चा जायज माना जाता है, लेजिटिमेट माना जाता है, वैसे ही हम अगर मैरिज एनल्ड हो जाती है, बॉय डेबल मैरिज खत्म हो जाती है, उसका बच्चा मानेंगे, अर्थात जायज मानेंगे, लेजिटिमेट मानेंगे। शैल बी डीम्ड टू बी दियर लेजिटिमेट चाइल्ड नॉट बी स्टैंडिंग द डिग्री ऑफ नलिटी, तो वो चाइल्ड जो है इन माँ बाप का लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा, और जो डिग्री ऑफ नलिटी ली है बाप ने, इस केस में माँ भी ले सकती है, मैं बाप का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाप ने जो भी डिग्री ऑफ नलिटी लिया कोर्ट में उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसमें बे लैंग्वेज बोली हुई है, आई होप आपको समझ आ गई है। अब जो 16 सब सेक्शन 3 है वो मेनली बात करता है राइट्स ऑफ चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ सच मैरिज, जो बच्चे बॉयड और बॉय डेबल मैरिज से पैदा होते हैं उनका स्टेटस तो लग गया पता हमें कि लेजिटिमेट है, तो उनके पास राइट क्या है, तो राइट की बात सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 करता है। ये बोलता है कि राइट की बात की जाए तो जो बच्चा ऐसे पैदा होगा बॉयड या बॉय डेबल मैरिज से पैदा होगा, उन बच्चों का अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे पूरा पूरा राइट होगा, वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते हैं, पेरेंट्स मतलब माँ बाप, जो उनके माँ बाप है, पर माँ बाप के सिवा पेरेंट्स को छोड़कर उनके सिवा ना तो ये अपने दादा परदादा की प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते हैं, ना चाचा मामा ताई, कहीं से प्रॉपर्टी उनको नहीं मिलेगी, केवल और केवल माँ बाप से वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं, ये सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 बोलता है। ये अब हमारा कंप्लीट हो गया सेक्शन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमने इसके नोट्स बना रखे हैं हिंदू लोगों के बड़े ईजी लैंग्वेज में, तो आप वो नोट्स ले सकते हो। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जो कंसेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी है ये स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर भी बताया गया है, जो स्पेशल मैरिज एक्ट का सेक्शन 26 है, मैं आपको बता देता हूँ, जो सेक्शन 26 है वो इसी से डील करता है। सेक्शन 24 जो है स्पेशल मैरिज एक्ट का वो बताता है कब मैरिज वाइड होगी, और 25 जो है वो वाइडेबल मैरिज की बात करता है,
जो 26 सेक्शन है वो बोलता है कि बॉयड और बॉयड डबल मैरिज से जो बच्चे पैदा होंगे उनका क्या स्टेटस होगा, तो उसमें भी इसके बारे में बताया हुआ है। सेम लैंग्वेज जो हिंदू मैरिज एक्ट में यूज़ की गई है वही की गई है स्पेशल मैरिज एक्ट में भी, जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो में।